<laughs> हाँ तू बता रहा था गार्ण, गार्ण के बारे में कुछ बता रहा था क, किस में सुनते हो तुम ये हेडफोन ऐप हेडफोन ऐप की ऐप पे किस इंस्ट्रूमेंट किस डिवाइस पे सुनते हो कोइंसिडेंस इंसीडेंस देखिए भाई साहब इत्तेफाक पे इत्तेफाक सुनते भी हम हेडफोन पे ही हैं <laughs> कौन से हेडफोन है आपके पास सोनी एक्स एम फोर नॉइस कैंसिलेशन वाह एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी है उसमें और पैसिव भी है और सुना है बहुत आठ माइक है उसमें मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हमारे लिए हर नॉइस कैंसिलेशन बराबर है <laughs> काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपने खरीदा है uh, मैं भी सोच रहा हूँ कौन सा लूँ एक्स एम फोर इज़ वन ऑप्शन एक्स एम फाइव इज़ वन एंड बोस हेड uh, हाँ सेवन हंड्रेड वो भी एक है एंड एयरपोर्ट मैक्स चार ऑप्शन हैं बट आई फील लाइक लुकिंग एट द प्राइस पॉइंट ऑल्सो एंड द वैल्यू दैट यू गेट आई फील लाइक एक्स एम फोर इज़ द बेस्ट क्योंकि बोस का uh, जैसा नॉइज़ कैंसलेशन एक्स एम फोर पर मिल जाएगा hmm. और एक्स एम फाइव में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है लेकिन महँगा है और एयरपोर्ट में बहुत इंप्रूवमेंट है काफ़ी बढ़िया लेकिन भारी है बहुत और बहुत महंगा है मतलब अगर डिस्काउंट के बाद भी सवा चार सौ का मिल रहा है तो आई थिंक मेरे को ये आइडिया अनकंफर्टेबल लगता है कि वो यहाँ लटका हुआ है गिर सकता है हालांकि गिरता नहीं है नहीं नहीं एयरपोर्ट मैक्स इज हेडफोन मैक्स इज हेडफोन हाँ, वो बड़े वाले हेडफोन तो yeah, अच्छा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वो मेरे को वो नहीं अच्छा लगता जो कान के अंदर घर बना लेते हैं वो तो थोड़ा ऐसा लगता है आई एम गेटिंग फॉक्ट

और खत्म हो गया सारा साराशिप का ओपन uh, all... <laughs> <laughs> <आपका ही> <laughs> हम हमेशा रहेंगे एक और स्पॉन्सरशिप हो सकती है इस एपिसोड इस की है कि नहीं पता नहीं हुँ. तो हम कर देते हैं इंटीग्रेशन और बाद में अगर नहीं होगी तो हटा तो 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 काम करते हैं हाफ हाँ, करते हैं मतलब जो कंपनी का नाम है वो आधा लेंगे <laughs> <laughs> नहीं, नहीं नहीं पूरा ले लेंगे बाद में एडिट कर देंगे इट डज व कंपनी कॉल्ड गीगा वर्क्स तो बेसिकली क्या है कि फ्री uh, के लिए कि अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हैं अगर आप uh, आप आर्टिस्ट हैं या फिर आप कोडर हैं आप जो भी करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रीलांस गिग्स मिल सकती हैं जो पोटेंशियल बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं दोनों वहाँ पे रहेंगे और क्रिप्टो के थ्रू काम मिलेगा आपको बहन जी तो इफ़ यू गेट पेड तो क्रिप्टो के थ्रू इट्स इट्स गुड इट्स आल्सो लाइक वेरी फास्ट ग्रोइंग और अब क्रिप्टो में देखो मेरे पैसे तो फंसे हुए हैं और लोगों ने बोला है कि इथीडियम कभी ख़त्म नहीं हो सकता वो कभी क्योंकि सारी चीज़ें इथीडियम प्लेटफॉर्म खत्म नहीं हो सकता बस वैल्यू कम होती जाएगी <laughs> नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि मतलब हाँ यूर राइट एक्चुअली बट वो कह रहे हैं कि क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म इथीडियम के ऊपर hmm. ही बने हैं जो इथीडियम टू जो भी नया है hmm. तो इसलिए इट्स सेफ टू हैव इथर तो आ, पता नहीं यार मतलब मैंने तो डाल दिए पैसे और मुझे वहाँ पे छोड़ नहीं पड़ेंगे आई कांट अभी उसकी वैल्यू आधी से भी कम हो गई तो नो पॉइंट टेकिंग इट आउट एंड people are still investing in crypto, people are still working on crypto. so if you are interested in that and if you are a freelance creator, I feel like yahan pe option hai kyunki gig economy ye hai और अगर आपको काम करना creators, है job नहीं कर creator's economy creator's economy भी है और gig economy in general मतलब अगर आप creator नहीं भी हैं अगर आप hmm. coder को भी creator बोलेंगे क्या एक तरह से एक एक वो बोरिंग टाइप का क्रिएटर माना जाए <laughs> तो अगर आप कोडर हैं और आपको पैसे कमाने तो क्रिएटर वर्ड को बहुत ही लूजली और इनैक्यूरेटली यूज करें तो आए कुक क्रिएटर है, है ना क्रिएटर uh, yeah. uh, हर टीचर hmm. इज अ क्रिएटर ऑफ हार्मनी हर तरह से क्रिएट तो कोई हर हमारे मोहल्ले में पागल है जो सबकी गाड़ी पे चढ़ के टट्टी करता है क्रिएटर ऑफ केओस एवरीबॉडी इज अ क्रिएटर एंड दिस इज क्रिएटिव इकोनॉमी सो नाउ इज योर टाइम मैन ये आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय दिस कांसेप्ट ये मेरी लाइफ में नहीं रहता मेरा कि एक मोहल्ले में एक पागल रहता है <laughs> <laughs> आ, ये, देख मैं घमंड नहीं करता हाँ, है तो हमारी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग ये एस्पिरेशनल है मेरे लिए ऐसी <laughs> लाइफ कि तुम फिर कॉलोनी में कोई भी चीज ऑर्ड हुई है वो कैसे जस्टिफाई कर सकते हो उसने करा है <laughs> आ, to, नहीं, actually, क्यों मैं बोलूँ शाउट आउट नॉट नॉट कूल बट यूर राइट तो क्रिएटर हर कोई है तो इसलिए अगर आप यू वॉन्ट टू गेट इन ऑन दैट तो द एप्स कॉल्ड गि ग वर्कस आप वहाँ पे जाइए काम ढूंढिए काम देना है तो वो दीजिए और क्रिप्टो में डील करिए चिल करिए ठीक है दिस इज ऑल्सो डन इन केस वी आर हैविंग दिस इन दिस एपिसोड वर्णा किसी mm -hmm. और एपिसोड में डाल देंगे कोई ना तो चेक इट आउट आर्टिस्ट से मैं बात कर रहा था अभी रिसेंटली क्योंकि मैंने बोला था कि मैं एक पेज बनाऊंगा जिसमें मैं यहाँ पे भी आइडिया आर्टिस्ट से बात कर रहा था जो क्रे... जो वो <laughs> जो ड्राइंग वगैरह या स्केच बनाते हैं अच्छा ऐसे आर्टिस्ट से इंस्टाग्राम हाँ। uh, पे बात कर रहा था तो मैंने डाला था एक स्टोरी कि मुझे हाँ पैनल्स बनाने या फिर जो कुछ ऐसे विजुअल जोक्स होते हैं जो तुम मतलब और कहीं नहीं कर सकते वो उस पर ही अच्छा लगेंगे तो आई आई वॉन्ट इट समी टू ड्रॉ जोक्स तो एक एक बंदे ने बोला कि मैं करूँगा और उस मैंने उसको एक जोक बताया उसने ड्रॉ किया काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो वही है आई एम लुकिंग फॉर मोर आर्टिस्ट हु मतलब क्या है वो कुछ पैसे वैसे नहीं है इस कोलैबोरेशन एंड अगर वो ग्रो हो गया लकीली तो देन वी कैन डू वट बट इफ़ यू वॉन्ट टू कोलेबोरेट तो यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम और डीएम कर दो एंड देन आई विल गिव यू अ जोक और हम एक ग्रुप बना देंगे या तो डिस्कॉर्ड वो बंदा बोल रहा था मुझे डिस्कॉर्ड का इतना नॉलेज नहीं है एक एक्चुअली क्या करते अगर कोई कॉमिक उसके लिए तेरे को मैसेज कर रहा है डीएम कर रहा है तो फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए कॉमिक कौम, पैनल हाँ कॉमिक पैनल ऐसे कर दे क्योंकि लोग ऐसे मैसेज करते हैं हे <laughs> कहते हैं क्या हाँ। वो कहते हैं अरे आपने तो बोला था रीच आउट करने के लिए अगर आपको ऑफिस शोज करने है अरे <laughs> तो सिर्फ कैसे समझ आ, में वाले जनरली खोलते नहीं है लोग hmm. हाँ कॉमिक पैनल अगर आप लिख दोगे ऐसे ब्रैकेट में अपने डीएम की शुरुआत में तो मैं पढ़ लूंगा मैं वैसे भी पढ़ लेता हूँ ज्यादातर बट इट्स सेफर टू राइट कॉमिक पैनल और देन आई हैव अ फ्यू जोक्स अभी और बाकी हम और भी लिखेंगे एंड आई फील लाइक अगर एक कम्यूनिटी uh, बना दी तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास खुद भी विजुअल जोक्स होंगे hmm. तो वो बताएंगे दूसरे आर्टिस्ट बना देंगे वैसा हो जाएगा वी कैन क्रिएट अ कम्युनिटी एंड मेक दोज तो धीरे धीरे करके वैसे एक इकोसिस्टम बना देंगे फिर एक अपना प्लानट खरीद लेंगे <laughs> थोड़ा हम इलोहन मस्क की तरफ जा रहे हैं <laughs> बट uh, वो अगर कर देंगे तो बहुत सही हो जाएगा क्योंकि देन दैट इकोसिस्टम रंस बाय इट्सल्फ उसमें किसी को होने की जरूरत नहीं है वो पेज भी अपने आप ग्रो करेगा वो कम्युनिटी भी ग्रो करेगी और उसमें बस वो रूल ये है कि एक बंदा लिखा होगा उसमें रिटर्न बाय हुएवर एंड एलिस्ट्रेटेड बाय हुएवर हर कॉमिक पैनल में तो अगर किसी बंदे ने जोक दिया और किसी ने बनाया तो उन दोनों का नाम होगा मेरा नहीं होगा तो इट डिपेंड्स ऑन हु राइट्स द जोक एंड हु इलिस्ट्रेट्स इट इट्स ऑल अप टू यू गाइस एंड आई मीन देट्स द आइडिया तो आप लोग अगर कर, करना है आपको तो प्लीज़ आप. कभी कोई इको सिस्टम सक्सेसफुली क्रिएट कराए जो 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 तूने शुरू करा और फिर वो अब ऑटोमेटिकली चलता रहे यार है। मैं बोलना नहीं किया था मैंने कॉलेज के टाइम पर बट वो इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ मैं तारीफ करूँ लेकिन वो बहुत ग्रो हो गया था इट ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल

मेरे को ये वाले इवेंट्स जिसका कोई मतलब नहीं है कोई पर्पस नहीं है बहुत अच्छा लगता है और उन लोगों ने अच्छा भी किया था लेकिन उसके बाद वहां पे जाके ना वो वही है जैसे असली मर्द का भी सेम सीन अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया एवर इंटेंशन बट एक बार वो जनता के पास चला जाता है तो दे डिसाइड क्या होने वाला है फिर वो हमारा बट वो, वो मतलब हमारे उस पर नहीं है क्योंकि कई लोग वैसे भी जैसे, जैसे हाँ कि मैं अपनी नानी को धक्का देता हूँ क्यों ये मेरे देश का कल्चर है <laughs> कोई भी कोई भी चीज कैसे भी इंटरप्रेट कर सकता है तो उसको जो करना होता है वो कर देगा हाँ हाँ नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हम कल्चर क्रिएट कर रहे हो बट हम कह रहे हैं कि हम तो कल्ट क्रिएट कर रहे हैं कल्ट क्रिएट करने का लेकिन ये जो ये ऑर्गेनिज्म बन जाता है ऑनलाइन एंड देन इट इट हैज़ इट्स ओन लाइफ फिर वो जो उसको मन होगा वो करेगा यू कॉन्ट कंट्रोल इट तो हम कंट्रोल करने की चेष्टा भी नहीं कर रहे भाई हमने बना दिया उसके बाद तुमको जो करना है करो हम बैठे देख रहे हैं बस वी आर पैसि व्यूअर्स यूर फिर से मैं तो बस व्यूअर हूँ मैं एक्टिव पैसे हूँ विश्वास नहीं रखता तो स्मोकर कैसा है स्मोकर uh, शुरुआत में तो एक्टिव ही होगा शुरू में एक्टिव था नहीं शुरू में पैसे था अच्छा फिर एक्टिव फिर ऐसे लगा इतना पैसे हो ही रहा, तो एक्टिव कर लेते हैं लेकिन एक्टिव में भी उतना मजा नहीं आ रहा था फिर सब ने कहा कि अभी जब तुम्हारे को एडिक्शन हो जाएगा ना तुम पागल हो जाएंगे तब तुम्हारे को और मन करा करेगा पीने का मैं फिर क्या फ़ायदा छोड़ ही देता हूँ उससे पहले तो कुछ दो महीने सिगरेट पिया होगा मैंने छोड़ दिया था बट देख तो तूने शुरुआत में जब पैसे किया था और तू बोल रहा है कि इससे अच्छा एक्टिव ही कर देते हैं ये बहुत लोगों का लॉजिक होता है कैसे अच्छा भाई नहीं, नहीं। 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 करने से से अच्छा अच्छा एक्टिव था। <laughs> बर, दुआ उनका लेने इंजीनियरिंग करी थी हाँ परिक्रमा को डेट रहा था बहुत तो सारी चीजें एपिसोड में बताता हूँ क्या परिक्रमा एक वॉज नॉट फर्स्ट सेकेंड पर्सन दट आई डेटेड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एन आई वॉज इन कॉलेज तो सबसे ज्यादा कहानियाँ लोगों को मैंने परिक्रमा वाले रिलेशनशिप की सुनाई है अच्छा स्टैंड अप में भी वही कहानी है स्टैंड अप में आई डोंट थिंक कोई परिक्रमा से कहानी एक बार एक कुछ अटेम्प्ट करी थी वो नहीं 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 एक्चुअली नहीं, नहीं है परिक्रमा से रिलेटेड कोई भी कहानी नहीं है लेकिन उसका नाम इतना अच्छा है कि हमेशा बोलने में

ये नाम बोलने में बहुत अच्छा लगता है परिक्रमा ये सब नहीं तो इसका इसका नाम भी मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मेरे को इसका नाम भी शॉर्टन करना नहीं अच्छा लगता है <laughs> आ, परिक्रमा एक बैंड का मूवी तो में, तो तो, अच्छा में भी आया था न। न। उनका कुछ रहता है उसमें गया था तो वेरी पॉपुलर तो उसके बाद वापस भी और मेरे एक दोस्त जो साकेत जिसकी वो कर रहा था मेमिक्री उसने उसको जब मैंने पहली बार बताया था कि मेरी लड़की अच्छी लगती है तो उसने वो कैसे कहा था घुमाती रहेगी क्योंकि परिक्रमा नाम है ना उसका <laughs> ये तो यार बड़ा ही हिंदी समझने वाला है? दोस्त था <laughs> इतना मुश्किल हिंदी साहित्य के शौकीन हिंदी साहित्य के शौकीन हाँ <laughs> हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोगों ने गार्डनिंग का जब शुरू किया था दैट्स हाउ स्टार्टेड जैसे सारे इंटीग्रेशन और पर्सनल हाँ, हाँ, हाँ। तो, कोई पॉइंट मैं कुछ और बताने वाला तो हाँ। नीम ऑयल लिया था कि उससे ना जब प्लांट्स में कीड़े वगैरह पड़े जाते हैं तो उसको सही करने का बेस्ट तरीका या तो तुम काटो वाटो और माली को बुलाओ वो सब नहीं तो इजी तरीका है कि तुम पानी में नीम ऑयल मिलाओ थोड़ा सा दो तीन ढक्कन और सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट मिला और छिड़क दो तो वो सारे चले जाएंगे पेस्ट सारे खत्म हो जाएंगे बट वो उसी भी भी काम में ना क्यों जाते हैं क्यों क्योंकि पेस्ट कहते हैं नीम का पत्ता कड़वा है <laughs> <laughs> अरे तो वो जब छिड़क छिड़कोगे तो तुरंत असर दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी बदबू है कि पैस भी नहीं झेल पाता तो अब लेकिन उसके बाद रखा हुआ था वो बाहर रखा था हमारी मेड ने उठा के उसको मेरी टॉयलेटरीज के साथ रख दिया तो आज मैं वही कर रहा था मुझे कोई शौक नहीं नीम का ऑयल छूने का बट भू मेरे सारे आ, शेवर में और जितने भी में उसने क्या स्प्रे कर दिया वहां पे नहीं रख दिया और वो नीम बॉटल अच्छा लीक हो गई तो पूरे में फैल गया तो मेरा हर चीज में नीम की बदबू और बहुत ही ज्यादा गंदी कुछ कोई बैग में तुम खाना लेके जा रहे हो और फिर वो फैल जगह तेल सब में तेल लग जाता है अरे पर तेल की स्मेल इतनी खराब नहीं होती इसकी तो स्मेल करेगा इतनी बुरी है हाँ, क्योंकि तेल तो खाते हैं ना यार तो हाँ, तेल और ये और ये वाला जैसे नीम ऑयल एक एडिबल भी होता होगा कुछ बट दिस इज ओनली फॉर प्लांट यूज तो ये जो नीम ऑयल का भी एकदम रेसिड्यू बचता है जो सबसे गंदा स्टिकी और भैया बिल्कुल हटता ही नहीं वैसा है वो चीज है ये प्लांट्स के यूज के लिए ही है सिर्फ और उनको समझ में नहीं आया उन्होंने रख दिया अंदर और सब मेरे परफ्यूम पे लग गया तो अब परफ्यूम से बदबू आ रही है भाई बहुत ही बड़ा मैं क्या क्या फेंकूँ दो है मेरे, कैसे भाई तो यार, ऐसा वो फ्यूचर इमेजिन कर लिया है नीम हर जगह से बदबू ही आएगी भाई बार छू लिया है मैंने और वो उंगलियों से जा नहीं रही है बदबू जिसने भी नीम ऑयल का ये आइडिया निकाला

तो लुई तो एक टॉक uh, शो पे जाके वो करता है कि आई वॉन्ट टू लर्न डांस

क्योंकि बस दे आर जस्ट ओवर इट नाउ या दैट्स दैट्स वेरी कूल या हां तो वही था आई थिंक उसमें भी क्योंकि डम्बल डोर जब मर गया उसके बाद उसकी फ्लॉज़ निकल रहे थे क्या hmm. <laughs> तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा बाप संत है वो वाला कि मैं कोई भला नहीं है सरकार का डायलॉग है नहीं तुझे क्या लगता है तेरा बाप संत है तो और वो बोलता भी कि केके मेनन यार केके मेनन की डिलीवरी कोई आ, भी। आदमी की और बेटर नहीं है की <laughs> तो तो ये मेरी बहन इसकी वजह से मर गई है ना ये सब बताता है निकालता है और तब भी हैरी के परस्पेक्टिव से तो यार मतलब उसका तो वो एकदम वही मान लो कि भगवान है उसके लिए

क्योंकि मिस्ट्री जो मतलब आदमी लोग करते हैं कि मेरा तो एक बहुत मिस्टीरियस पास्ट है और फिर तो मैं एवेंचुअली जाना तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं चूटी काटता था लड़कियों को ऐसा सा कुछ बकवास निकलता है <laughs> <laughs> लेकिन इसमें द जस्टिस मतलब इट डिट प्योर जस्टिस टू वॉट देवर ट्राइंग टू सेट अप सिंस द लास्ट सिक्स ईयर्स इन द बुक्स करेक्ट करेक्ट ये एनिग्मा ना इट्स वेरी इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग या

भाई एक बात बताऊं छोड़ यार क्या करेगा जान के, के। बता बता तो कहते अरे बताओ क्या हो गया यार ऐसे भाई, भाई भाई भाई, नहीं है प्रॉमिस किसको नहीं बताऊंगा भाई <laughs> भाई तू तो मेरे मुंह में मूत दियो जो मन्नू का जो बहुत अच्छा हो भाई बस एक बूंद आ, तो क्या था हाँ तो बस यही नीम का तो खत्म हो गया था हाँ, नीम खत्म हो गया था बट अब नया तरीका मुझे ढूंढना है उनको आ, ये देने का न्यूट्रिशन और सही करने का क्योंकि अब छोड़ा ये तेल मादर चोद <laughs> इतना घटिया इतना बदबूदार चीज आई वॉन्ट इफ सर टेल मी अट डॉट स्मेल वाला ग्रुप है उसपे पहले सब कुछ क्वेरीज आती थी कि जैसे जब नए नए जॉब प्रोफाइल्स में प्रोफाइल करा था तो कैसे ब्रीफ और कुछ 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 इस टाइप मनी प्लांट अपने अपने क्या क्या <laughs> क्या <करें? laughs> को कैसे पाले हाँ। <laughs> <है? laughs> अभी एक मूवी देख रहा था मेरी बंदी मेरी बहुत आंट खाती है इसका एमबीए सोलूशन बताओ था कभी समझ में नहीं आया मुझे Uh, करीमा एक मूवी देख रही थी और उसमें आई थिंक इट्स कॉल्ड स्लम्बर लैंड तो उसमें फेयर फेयर स्लम्बर लैंड करके मूवी थी शायद <laughs> तो उसमें एक लड़की होती है उसका बाप मर जाता है उसका चाचा उसको पाल uh, को uh, hmm. मिल जाती है उसकी कस्टडी तो पाल रो तो मतलब बहुत बड़ा वो बिजनेस है सारी चीज़ें है ना hmm. तो बेटी अंदर मतलब यही जो इसकी भतीजी है वो अंदर सो रही होती है और ये रात में ऐसे दिखाते हैं एकदम एनिमेटिक अगेन कैरेक्टर उसने लैपटॉप खोला तो ऐसा लगता है कुछ क्राइम करने जा वाले लैपटॉप के ऊपर से फिर हाँ। वो टाइप कर रहा है तो मुझे लगता है कुछ और नया विंडो खोल के ऐसा लगता है हाँ। कुछ क्राइम करने वाला फिर लिखता है हाउ टू रेज अ बेबी ये क्या वक्त है फनी था ये इसने कहा था आई थिंक हिचकॉक ने कि तुम कैसे एडिट कर रहे हो क्या म्यूजिक लगा रहे हो उससे पूरा सीन बदल सकता है जबकि सेम सीन है तो जो तू बोल रहे है ना मैं को उस समय मजा, मजाक ही कर रहा था लेकिन वो एडिटर का फ़र्क इतना ज़्यादा है उसमें हंड्रेड परसेंट फ्रेश में कि एडम सैंडलर का एक गाना है वो वाला कि जिसमें वो हर बार जाके चीज़ें ख़राब कर देता है कहते ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है उसमें एवरी इज एडिटिंग वो म्यूज़िक बजता है और एडिटिंग में एकदम वो विंडो शॉट कर देता हूँ उसकी आंख पे ले आते हैं तो बहुत ही अच्छा है

सारे प्रिटेंस है वो तोड़ने वाली जो चीज़ है वो हमेशा ही अच्छी लगती है yeah, yeah. मैं वो हर बार करता है और उसको मतलब इज़ वेरी मेटा क्योंकि ही हैज़ बिन रेज्ड इन शो बिजनेस उसने बचपन में ही पॉपुलर हो गया वाइन वाइन से वो हुआ था फिर उसके बाद से आ, आई थिंक वो जब ऐसे सीन में आया था जब एवरीबडी वॉज जस्ट जजिंग हिम कि इसको तो ऐसी ईजी फेम मिल गया है कल के लॉन्डे रील बना के पॉपुलर हो जाते हैं टाइप के में तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू प्रूव टू सीम स्मार्ट टू तो द बैक ऑफ द रूम या फॉर शो एंड ही रिड दैट एक वो ग्रीन रूम में भी आया था देखा वोसोड बहुत सही है आ, उसकी मार्क मैरन के बिल्कुल गाड़ी मार लेता है मा, सब की कॉलिन क्विन बैठा सब लोग बैठे आई थिंक गैरी शैंडलिंग उसे बहुत हाँ, अच्छे से वो करते नहीं एक्चुअली बाकी लोग भी देन ही विंस एवरीबॉडी ओवर पर शुरुआत में वो लोग कहते हैं ये नया कॉमिक हाँ। और फिर वो सबकी गांड मार लेता है पर वो सही है वो गंदा काफी ये, है। ये मेरे को एक ये पता नहीं आए

तुम्हारा किसी के साथ इतना कम्फर्ट लेवल है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो उससे बट वेन यूर इन लाइक अ बिगर सर्कल तो फिर वो भी अजीब लगता है कि ये हाँ। दोनों आपस में क्या बकचोदियां कर रहे हैं कभी भाई अपने घर पे जाके कर आ, आ, क्या कहते हैं हाँ ये एक तो या तो इनके कुछ इन साइड जो जबरदस्ती चले हाँ। जाने हैं एक बड़े ग्रुप में <laughs> या फिर एक जना ग्रुप को अपीज करने के लिए दूसरा की बिल्कुल ही ले लेता है माँ को छोड़ना क्या गया भाई अभी तो से बात कर ये रहा। कर दिया या फिर कुछ ज्यादा ही पर्सनल उसके बारे में रिवील कर लेगा अब ये बोल रहा है भैन चो है कल तक तो सुसु करता था सोते टाइम बहुत पता छोटे बच्चों की पिचिंग लग रही <laughs> कल तक तो सुसु करता था सोते टाइम नहीं मैं सो, सोचा था क्या एंबरेसिंग हो सकता है बड़े होके हाँ। यार मेरे को ना प्रॉब्लम होती है कि एग्जांपल नहीं आते <laughs> उस दिन क्या हुआ एक ऑडियंस में वो जाना आया हुआ था तो उसने कहा प्लीज और होस्ट ने मेरे को बुलाया कि प्लीज ग्रफ और चिराग और मैं स्टेज पे क्या कहता है मैन यू विल बी वेरी गुड बिकॉज आई हैव अ वेरी नाइस नेम मैं कहा तुम्हारे नाम चिरा गई है क्या कह रहे यस yes. <laughs> ठीक है और उसने मैंने सेम जूते भी पहने हुए थे तो वो भी उसने पॉइंट आउट करा मैं कहा और क्या... शीशा हटा दिया <laughs> नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> और क्या क्या कॉमन है हमारे बीच में ठीक है तो मैं सोच रहा था कि कुछ और बोलता हूँ कुछ और बोलता हूँ कुछ और बोलता हूँ गर्लफ्रेंड का नाम नहीं तो मैं फिर बोला क्या आप भी एक्सेसिव मास्टरबेशन का शिकार है

Yeah. कई बार तो मैं इसलिए भी करना पड़ता है कि इतनी बड़ी ऑडियंस है नहीं देता अरे भाई लेकिन वो माइक पे बोल जाएगा तुम वीडियो डाल रहे हो बहुत सारे लोग करते हैं ये कुछ ऐसे बोलेंगे मैं तो इंजीनियर हूँ ये तो इंडियन है ये बाकी लोग नहीं करते बट तुम अमेरिकन कॉमिक्स के भी जो नए नए वीडियो आते हैं देखो सेम सेम ही लेवल है भाई कोई लेवल में फ़र्क नहीं है यहाँ के कॉमिक्स और वहाँ के कॉमिक्स में एक दो को छोड़ के जो टॉप को छोड़ के बाकी लेवल में कोई फर्क नहीं है सेम बस खाली लैंग्वेज का फर्क है रेफरेंसेज भी उनके बस आस पास ही हैं वो जैसी बातें करते हैं वैसे यहाँ पे भी करते हैं भाई मैं तो इतना मतलब मेरे को अपने क्राउड वर्क से इतनी नफरत है कि मैं बता नहीं सकता भाई मुझे भी है लेकिन अब सीखनी भी है मुझे मन भी करता है अच्छा करने मेरे को एक पॉइंट पे आई आई एंजॉयिंग डूइंग दिस या नाउ नाउ यू आर नॉट बट बट डोंट एंजॉय इट इट एंड आल्सो कुड बी दैट इट वॉज हेल्पिंग मी गेट एक्सेस इं टू रूम्स दट आई वॉज नॉट गटिंग एक्सेस इन् टू कि कोई होस्ट करना नहीं चाहता था मैं होस्ट करके कम से कम उस लाइन पर आ जा रहा था जिसमें फिर मैं वैसे नहीं आता लेकिन अब पता नहीं मेरे को बिल्कुल ही मन नहीं करता है जाने का बात करने का क्या बात करो यार इनसे एक शो करते हैं जिसमें हेडलाइनर <laughs>

It's a good. It's thing. a very good thing if somebody and also the audience gets to see somebody famous up top. तो उनका वो भी निकल जाता है कि चलो वसूल हो गए वसूल हो गए वरना वो जब वेरी लेट नाइट में और नॉट भी हेडलाइन बाय चलता है ना तो फिर ऐसे कहते हैं कि बहुत देर से में ही चले जा रहा है भाई साहब <laughs> मे मे कब आएगा <laughs> वो तो बहुत बार होता है वहाँ पर uh, लेकिन क्राउड वर्क अगर वैसा है ना कि अगर किसी ने जो नॉर्मल ट्रोप्स हैं चार पाँच वो नहीं किए तो ऑलरेडी अच्छा है मतलब बहुत लो बार है अच्छा क्राउड वर्क का क्योंकि पांच नहीं बट होप बट अगर तू वैसे कर रहा है कि तेरे को देखने में अच्छा लगे बट किल के पॉइंट ऑफ व्यू से

जो है अगर तुमने नॉर्मली किसी से बात करते करते कुछ निकल आया दैट ऑलरेडी वे मोर सुपीरियर देन तुम्हारे पांच ट्रॉप क्योंकि hmm. वो अगर तुम नहीं करोगे इफ यू यू दैट देन ऑलरेडी अ सुपीरियर क्राउड वर्क आर्टिस्ट आई गेस पता नहीं क्राउड वर्क आर्टिस्ट है लेकिन ये जस्ट टू बीटरेस्टेड इन पीपलो स्किल घंटे के लिए तो कर ही सकते हो अरे लेकिन तुम अपना रिहर्स मोनोलॉग तो करके चले जा सकते हो लेकिन जैसे कि जेन्यून इंटरेस्ट उठाना किसी की लाइफ में तुम तेरे को मैं नींद से उठा के बोलूँ भाई अपने बारे में दे क्या प्रॉब्लम वो तो तू बोल ही देगा क्योंकि नार्सिस तो है ही ना हम लेकिन टू बीस्टेड इन समीज इज लाइफ इज अट कमांड

तो उसमें फिर ऐसा लगता है ओ मैन आई डोंट वांट टू अरे यार तो तो मेरा उसमें वही है आखिरी में जाके भी बहुत मुझे खराब लगता है क्योंकि फिर... भी हो सकती है बट मेरी प्रॉब्लम ये देन दे क्लोजर टू द शो मैं तो अभी लिख के मैं बीस जोक लिख के गया था मैं ये मैं करूंगा और मैं जो फिर वो बॉम्ब होने शुरू हुए फिर आई है पहले कर रखा था और मेरा टाइम खराब हो गया तो वो मुझे नहीं चाहिए प्रॉब्लम मटीरियल करना अच्छा है लेकिन जब मैं नया मटीरियल लिख के जाता हूँ तभी मेरा दिन अच्छा होता है ऑडियंस का हो सकता है खराब हो जाए लेकिन मैं कहाँ टेस्ट करूँ भाई फिर मुझे आई हैव But वही है, लेकिन I know. <laughs> अनफॉर्चुनेटली वो जो कई बार तो मुझे लगता है कि आ, मैंने जो में कुछ ज्यादा चेंज भी नहीं करा है एक पॉइंट पर बस चलना शुरू हो जाता है हाँ हो जाना ना? कि कुछ तो थोड़ी उसकी रिदम सेट हो गई है क्या हो गया है दि डिलीवरी तुम्हारी बदल जाती बहुत कम चेंजेस हुए हैं इसमें एक आधा हटा कटा है बस इतना सा ही कुछ हुआ है लेकिन वो चलने लग गया था ऐसा लगता है वाह फिर तो ठीक है बस फिर करते रहो ये मेरा मैं क्या करता हूँ कि मैं सारा जितना भी एफर्ट या जितनी भी एनर्जी है जोग से सब हटा देता हूँ मैं जाके लाश की तरह बोल देता हूँ जो फिर मेरिट पता चल जाती है जॉक फिर एट एनी पॉइंट बाद में डालता है एनर्जी वापस हाँ बाद में जब सही मुझे पता चल जाता है कि हाँ। ये जोक अच्छा है उसके बाद में डाल जैसे कल जो मैंने किया मैं लिख के गया था जो और मैं लाश की तरह जाके बोल दिए और जो जो जोक जो चल रहे थे वो अगली बार भी चलेंगे Ah, good, uh, yeah. all, all tests, बिल्कुल मेहनत ना करो वही मेरा टेस्ट है जो नया जोक शुरुआत में कर दो <laughs> बिल्कुल मेहनत ना करो एनर्जी हटा दो चेस वाले में हाँ. uh,

ऑलमोस्ट आई वॉज रेडी टू थ्रो दिस क्योंकि ये वीडियो भी मुझे नहीं डालने का मन था hmm. फिर क्यों? मैंने <laughs> तो अब मैं तीन बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ hmm. और उसके पहले कर तो बहुत बार चुका हूँ ये बिट लेकिन hmm. हर बार क्या है कि मुझे कुछ नया टैग आ जाता है अब चांस की बात है इस दिन मैंने चार पांच टैग जो नए लिखे थे वो कर दिए थे दो तीन मिस कर दिए थे अब मैं अगली बार करूंगा तो बहन चो हो सकता है छह कर दूं एक और मिस कर दूं वो कभी परफेक्ट हाँ। आने ही नहीं वाला आई वाज रियली फेड अप विद द बिट मैं कभी बस डाल देते तो मैंने काफी डिबेट किया इसको और मैं एडिट करवा के रख चुका था जब मैंने हाईवे डाला था तो ये वाला बिट रिकॉर्डेड एडिटेड रखा हुआ था अच्छा और मैंने लिखा हुआ था उसमें मैंने लिखा था अगले हफ्ते एक और वीडियो आ रहा है पे लिखा एंड जब लोग कमेंट कर रहे थे कि कहाँ आया तो मैं बोला सॉरी uh, uh, मुझे बहुत अपॉर्चुनिस्टिक लगा अभी डालने में क्योंकि उस समय कुछ तो चेस का वर्ल्ड कप या जो भी हुआ था वो था हाँ। सब लोग एकदम मुरैल बहुत हाई था मैं, हाँ। मैं बहुत अपॉर्चुनिस्टिक लगेगा अभी क्योंकि चेस हाँ। सारा ट्रेंड कर रहा है मैं डाल और लोग बोले ये वो आ गए फायदा उठाने

मैं करीमा से बोला उसने बोला जो तुमको मन एंड देन अबाउट इट मोर आई एम लाइक यार मैं अगर फिर से रिकॉर्ड करने बैठूंगा तो मुझे फिर से ये टैग देखने पड़ेंगे क्योंकि मैं भूल भी गया हूँ मेरा ही मटीरियल सब याद होगा वापस से कभी नहीं होता याद नहीं होता इतने सारी दुबई वाले शो में तुझे जैसे हुआ था सेम मुझे भी हुआ था वो कह रहे हैं पुराना जो तुमने यूट्यूब पे कर रखा है वो कर दो मैं भाई यूट्यूब पे करने का पॉइंट ही ये था कि अब ये मेरी लाइफ से आउट हो गया अब मैं फिर से पढ़ू ये टैग्स तो लोग काफी लोग YouTube वाला मटेरियल बार बार करते रहते रिकॉर्ड कराते रहते मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता करने में हाँ, वो मतलब डिपेंड मैं बहुत जल्दी डिटैच हो जाता हूं से। तो मैंने अगर कर दिया तो वो खत्म मेरी लाइफ से अब कोई बोले फिर हाँ, से करो हाँ, तो मुझे पढ़ना जैसे वो भी कहते ना कि और कुछ ऑफिस पे बनाओ बनेगा तो बन जाएगा यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं बन पाता है ऐसे नहीं अब और और मटेरियल लिखेंगे ऑफिस में क्योंकि उसमें तो मेरे को जितनी सारी फ्रस्ट्रेशन थी सारी निकल के दस मिनट ही थी भाई कितना मैंने साढ़े पांच साल काम करा है

एक बहुत बढ़िया अगेन इट्स बिकमिंग स्टैंड बोलते हैं स्टैंड अप की तुम बातें हो बट क्योंकि हमारा काम ही ये तो थोड़ा निकल आता है uh, जब मैं कोई जोक uh, uh, जैसे मैंने लिखा आई डू इट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन आई लीव इट आई लेट इट सीप इन इट्स एंड फिर क्या है ना मैं एकदम परफेक्टली लिखता नहीं हूँ सारे टैक्स hmm. वगैरह लिखता नहीं हूँ नोइंगली hmm. क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा इन अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड मे बी आई थिंक ऑफ समथिंग एल्स बट अगर तुमने पूरा लिख दिया तो तुम्हारा डायरेक्शन वही रहेगा सेम हाँ. उसी डायरेक्शन में जाओगे फिर तुम नया नहीं सोच पाओगे फिर उसको थोड़ा ओपन अप करके कि इसमें यहाँ डाल सकते हो ये कर सकते right. ऐसे कर कर वो कर सकते जो तो, कि मैं जैसे जो मैं बोल रहा था चंडीगढ़ फेस्टिवल के लिए बिट प्रिपेयर कर रहा था, था थ्री सम तो मैंने बहुत पहले लिखी में लिखा था फिर उसको और कराई मतलब टोटल छह माइक करा होगा बस और फिर, फिर फिर छोड़ दिया क्योंकि बहुत भयंकर बॉम्ब होता था हाँ। फिर अभी जब लास्ट टाइम दिल्ली ऑगस्ट में गया था तब एक बार मैंने सोलो कर लिया था तो अच्छा अभी हो गया जैसे सोलो का जो मटेरियल हो गया ना लगता है अब इसको नहीं चेंज करना है हाँ। इसके अलावा कुछ नया फ्रेश बनाते रहो तो तब फिर मैं पुराना मटीरियल निकाल निकाल के करने लग गया तो उसमें कुछ कुछ एक दो एक दो एंगल्स आ गए और फिर वो तो बट ये मतलब इस अप्रोच से एक्चुअली बेटर बनते हैं कि पहले बन गया फिर तो तुमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है जो कि तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे और मतलब जैसे ये बहुत सारे कॉमिक्स कहते हैं आई थिंक साइनफील्ड ने भी बोला था कि अगर वो बैठ के सोच रहा है किसी जोक के बारे में हुँ. अगर उसको चप्पल पे जोक लिखना है। तो वो चप्पल सामने रखेगा और बैठ के एक दिन दो दिन तीन दिन चप्पल ही सोचता रहेगा मेरे से वो नहीं होता मेरा वैसा है कि मैंने एक लिख दिया छोड़ दिया पा... फिर मैं घूम के वापस आऊंगा हाँ, वैसे पाक पाक और कोई काम नहीं पड़ा चप्पल गुरु मैं बेवकूफ <laughs> 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 मतलब आई थिंक वो भी एग्जेजरेट कर रहा होगा बट वो अप्रोच लगता है बोरिंग यार स्टैंड अप के लिए अच्छा जो आने के लिए बहुत बैठ के बहुत बोर होना पड़ता है ना कि तुम बस बैठ के एक ही चीज के बारे में सोचे जा रहे हो और क्या है एसी ए सी ए सी क्या एसी की तेसी डेमोक्रेसी आई <laughs> थिंक ऐसे ही आया था उनका <laughs> क्या गंदा ड्रेस है भाई मज़ा आ गया <laughs> बैठ के एसी देख रहे हैं <laughs> ये नाम कैसा रहेगा शो चौकी बढ़िया रहा है एसी की तेजी <laughs> <laughs> यार वर्ड प्ले इज ऑलवेज बिन बैड एट विच आई यूज टू लुक डाउन अपॉन दैट स्किल बट नाउ आई रिवलाइज देर आर देर इज सम मेरिट to इट बिकॉज there there you yeah. get to name your special. <laughs> <laughs> और <laughs> जो भी कोई property name करनी है कुछ वो करनी है उसके लिए बहुत फायदा होता था क्योंकि जब सोनलिप में ऐसे कहते थे अच्छा ये cricket का वो आ रहा है तो क्या नाम रखे हैं बला शल्लाइट बट दे रिक्वायर वेरी विटी नेम्स था कि वो उस बोर्ड में उनको मजा आए कि रिवर्स स्वीप अच्छा लग रहा है सर

कॉमिक्स विद एज किसी ने भी कुछ भी बोल रखा है तो, तो, हाँ, तो <laughs> <क्या हो गया? laughs> नाउ अरे हाँ अच्छा तो है ही वो बहुत सिंपल है ना करना क्योंकि सबकी लाइफ में हुआ भाई, है भाई आपने पहले बोला था तो अब इनकी बात ही हम कोई नहीं मानेंगे धोगले हैं पूरे की तरह पूरे धोगले है अरे नोम का जो कहना यार

वेरी पेक्यूलियर मैनर ठीक है विच आई रियलाइज आई ऑल्सो डू वेन आई एम वेरी हाईपर तो मैं उसमें जैसे अभी एक जो मैं थेरेपी वाला बेट कर रहा हूँ उसमें एक दिन एक दिन बस जोन में चल रहे थे कि कि अच्छा जा तो फिर फिर उस दिन मैं कि, और 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 मैंने मैंने ये ये करा है वो उसके बाद से में एक बार को कुछ बोल रहा था कि और मैं पहन लूँ अपनी जैकेट और वो फिर हमेशा बस ये वापस रिमाइंड कर रहा जैकेट करता है ऐसे ही बोलता है और वो बहुत सारे वर्ड्स को बोलता है वो बेसिकली मजाक उड़ा रहा होता है लोगों का हम्म कुछ कोले कुल वो हाँ। वैसे तो करता है <laughs> जैकेट पहन ली तूने अपनी नहीं नहीं, नहीं जैकेट ही बोल रहा था बट मैं बस जैकेट हां तो वो भी हाँ। वैसे ही करता है ऐसे ही करता है तो मैं कुछ मैं सुन नहीं करता था नहीं नहीं कर ले अच्छा है फनी होता है और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये फिर पर्सनल लाइफ में रहता है तो फिर तो आई थिंक दिस कैन बी ब्रॉट ऑन टू स्टेज एज वेल की थिंग्स दैट ऑलवेज स्टे इन माई हेड वन आई रिमेंबर समबडीज बिट जब मैं सुमायरा का बिट सोचता हूँ तो मेरे को हमेशा जयपुर के निवासी दिमाग में आता है कि क्यों बोल रही है ऐसे जयपुर बट वो हमेशा मेरे पर ऐसे ही अटकता है क्या है एक एक और मेरा स्कूल में दोस्त था वो फोन को फोन बोलता था <laughs> दुबई का था तो ऐसा भी नहीं था कि उसका कोई मतलब बहना आई था प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब सही था प्रोनाउंसिएशन सही था तो वो फोन बोला करता था और मेरे को हमेशा बस वो मतलब दैट पेक्यूलिटी और ये सब कुछ जैसे <laughs> भाई उनकी क्या गलती हो तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं लेकिन हम लोग को लगता है ये प्रोनसी ये है तुम्हारी hmm. <laughs> लेकिन वो जय अरे फीश कुछ नहीं होता है बांग्ला बाबू <laughs>

कि यहाँ पे मुझे लगता है एक जो और डालना चाहिए तो <laughs> <laughs> मैं देखा भाई वो आ, ये जो टीम है आ, मोनिका उमर डालिंग की वो अभी के एपिसोड में आई है लेकिन बहुत ही बेकार एपिसोड देखा नहीं आई थिंक इस बार कुछ वो हो गया है बजट कट और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं आई थिंक मतलब तो फॉर्मेट हैज़ आल्सो चेंज जैसे इट यूज्ड टू बी वेरी शो बिजनेस ही नाउ इट फील्स क्लोजर टू अ

नहीं नहीं वो जिसमें गाने गाते थे वो तो, तो वीडियो आता था पर उसमें एक गीतमाला बहुत अच्छा था गीत मल्हार जिसमें सलमान की ट्वीट का गाना बनाते हैं अरे लोगों ने बहुत किए गीत माला यूज़ टू बी दे ओनली आई थिंक आई आई डोंट नो एम नॉट श्योर बट करुणेश वगैरह लिखते थे करुणेश पैरडी काफ़ी अच्छे लिखता है एक उसका वो गाना था ना ब्राउन रंग का पैरेडी नहीं सुना मैंने ज़ टू डिस्ट्रॉय मतलब मैं समर हाउस में देखा था हाँ मतलब खेल तो करता ही है हाँ, ऑफ लेकिन वो, वो वेरी मतलब फनी आल्सो फनी या या पैरोडीज आर वेरी गुड ऑब्वियसली आई एंजॉय देम अलॉट तो लेकिन मुझे क्योंकि बजाना बजाना नहीं आता गिटार वरना मैं भी करता मैं तो पक्का करता अगर मुझे होता लिखने का मुझे बहुत शौक है लेकिन फिर अगर लिख दो और है गाओ तो अच्छा नहीं लगता <laughs> और फिर तुम्हारे लिखे हुए कोई और, और लोग कहें कि आप सर सिंगर बैठा हूँ कलम <laughs> वीडियो में पीछे पहन ला वो नहीं करता उसमें थ्री रहे हैं लेकिन शराब जो मारे हैं जब थ्री इडियट्स देखी थी व्हाट इज टेल टेल मी अ मूवी दैट जेन्यूनली मूव्ड यू कि ऐसा लगा कि आई रियली नीड टू रीथिंक माय लाइफ हैज देर एवर बीन अ मूवी दैट हैज अफेक्टेड यू इन दिस देट है नहीं भाई कोई भी नहीं <laughs> कौन सी हो सकती है? मैं मैं तो मतलब वेर वेरी डिफरेंट पीपल मैं तो हर पिक्चर देख के थ्री इडियट्स देख के हो जाता था तमाशा देख के जिसमें वो कहते हैं जॉब छोड़ो पैशन फॉलो कर मैं तो सब <laughs> हो <नहीं> जाता था <laughs> तो वो तो फिर तूने बैठा के रखा हुआ है कि मुझे पैशन फॉलो करना है बस कोई एक बार बोल दे हाँ, हाँ, तो हर मूवी में तू हाँ, तो वो ढूंढ लेते थे तो उसमें हाँ हा, लेकिन तेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कोई मूवी देख के वापस री हो जाती थी कभी भी नहीं आई डोंट थिंक सो ओके तो आई गेस तू इतना अफेक्टेड नहीं है सिनेमा से या फिर तू तो अपनी लाइफ में बहुत सॉर्टेड है <laughs> बैरी देख के मुझे लगता है मुझे भी खूनी बनना है यही सब होता है मुझे आई डोंट थिंक कुछ भी चेंज होता है बट क्या फिर आई तो इमोशनली वो मैं बहुत वो हो जाता था कि मेरे को भी ऐसी बनना है फरहान और इसके जैसा <laughs> छोड़ के अपना ये करना है वो करना है लेकिन उस टाइम पे ये क्लियर नहीं होता था कि करना क्या है फिर छोड़ के इंजीनियरिंग <laughs> <laughs> इमोशनल तो कुछ नहीं होता था जब जैसे वो देखा था मैंने ये कौन सी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो तो स्पेन सुंदर लग रहा हाँ। ये है ये सब आता है बस बाकी आई डोंट थिंक इमोशनल लेवल पे कुछ भी चेंज करता है बट बनाया उन लोगों ने यही किया आई थिंक जोया इज़ नाउ डूइंग इट विद विद द थ्री गर्ल्स दैट इज इज फरान फरान ओनली डूइंग इट अच्छा फरान इज डूंग विद आलिया कटरीना एंड प्रियंका ओके सो द आईडिया वाज इनिशियली कि हम एक ट्रिप करेंगे और फिर मूवी बन जाएगी साथ में दैट वाज द प्लान दे आर सेइंग यार ये तो बहुत ही सही hmm. है तो मैट सिर्फ ट्रिप कर लेता हूँ मूवी hmm. hmm. नहीं बनानी मुझे <laughs> भाई जब भी मैं सोचता हूँ कहीं पे जाऊंगा और उसके बाद व्लॉग बनाऊंगा hmm. हमेशा फ्लॉप आज तक मुझे कभी मन नहीं किया है कि हाँ, थोड़ा मेरे को तो <laughs> रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं करता क्योंकि हाँ। उसमें से लगता है में, में, में शर्मिंदा भी हो जाता हूँ मैं तो बहुत शर्मिंदा होता हूँ अन लोग हमेशा हर समय लगता रहना चाहिए मैं कूल हूँ ये नहीं की लोग ऐसे देख रहे हैं और तुम बीच पे हाँ तो दोस्तों मैं कौन चूतिया आ गए तो वो सारी इनहिबिशन जो है और इसीलिए आई थिंक कंटेंट कम डालने का इंस्टाग्राम पे यही रीजन है वो तो अब मैं जो डाल रहा हूँ वो तो बहुत ज्यादा है वरना कैमरा खोल के बोलने में मुझे लगता है मैं क्या यार बड़ा मुश्किल है ये करना इट्स नॉट इजी तो पहले टेक में होता नहीं ढंग से मेरे से

रीच भी आ जाएगी <laughs> तो माइट एज वेल प्रमोट शोज एज वेल तो मोमेंट क्रिएट हुआ था और तूने पूरा उसका एनिग्मा हटा तो, दी तो मेरे को आ, ये तो था कि अगर मैं ये डालूंगा तो

था उसका बात का क्या मतलब है पुष्प कि कंटेंट के नाम पे कुछ भी फुस जिसमें फुद्दूगिरी से ज्यादा हर्ट मेरे को फुस करा था आई वॉन्ट टू नो ये फुस का मतलब क्या है मतलब वो कह रही है कि कुछ कड़ाकेदार फुद्दूगिरी भी होती है पर तुम्हारी तो तो वाली तो फुद्दु... है भाई वाह दो लेवल पे हर्ट कर दिया सही में भाई और फुस फुस पे बहुत हुआ है थोड़ा और फुद्दूगिरी से और हमारा वो कर दिया कि भाई हम हम पूरे पॉडकास्ट में असली मर्द असली मत करे जा रहे हैं कम से कम द लीस्ट यू कैन डू इज राइट लोड़ागिरी ये तो मैंने सोचा ही नहीं फुद्दू इज फ्रॉम फुद्दी वाह अरे मैं ये कह रहा था तू वो वाला वीडियो डाल अपना वापस आ, शादी वाला

ठंड ठंड में हो गई थी <laughs> जैसे गर्मी आई तो मेरे हम कंपेटेबल नहीं हमने तो मूंगफली और कॉफी के लिए हाँ। करी थी ठंड <laughs> में बढ़िया लगती ठंड में तो भाई साहब आप जानते ही हो थोड़ा एक कोई चाहिए होता है <laughs> या तो बड़ा कर जो, जो हीटर ऑन कर दे <laughs> या तो बड़ा तकिया करी दो <laughs> और आजकल इतने महंगा हो गया है फोम वो <laughs> यार दिल्ली जाओ तो बहुत वो उसमें तो बहुत मजा आता है यार गर्म मूंगफली खाने में और कॉफी पीने में सर्दी में दिल, दिल्ली में सर्दी में नॉनवेज खाने में और हेडफोन ऐप पे पॉडकास्ट सुनने में <laughs> और गीगा वर्क्स में जॉब ढूंढने में सर्दियों में, सर्दी में तो मेरे तीन ही भाई साहब प्लेजर हैं <laughs> गर्म कॉफी आपका प्लेजर है कि नहीं सर कॉफी तूने तो फिर से बंद कर दी नहीं

Oh, है क्या कुछ अच्छा अच्छा वो है। है। उसमें मतलब अगर तुम्हें तो फ्रेंच प्रेस वो कॉफी ग्राइंडर जो भी चीजें खरीदनी तो उसमें कप्पा ने आई थिंक सही प्राइस पॉइंट पे वो कर रखा है दे आर नॉट आर स्पॉन्सर हम मुझे तो मतलब uh, वो वाला बहुत अच्छा लगा था इरेटेड वाला और कॉफी इरेटेड बहुत सारे हैं मतलब तूने जो पिलाया था उसके पहले भी मैंने सुन रखा था पिया नहीं था एक बार मैं ऐसे ही बैठ के बना रहा था तो मैंने डाल दिया था और वो थोड़ा सा

अगर एक की जगह दो कप पीले तो लोअर ले पैसे सीधे खु़िवर खु़िवर करने करने ले। हाँ फेर वो होते हैं हर चीजें मैं बहुत ज्यादा के फीन कर लेता हूँ तो शिवर होने लगता है Hmm. और मैं तो मेरा मतलब कैफीन का लेवल बहुत ही मैं छह रेड रेडबुल सात बुल पी ली एंड hmm. उसमें शुगर भी बहुत ज्यादा होता है टोरिन hmm. भी होता है प्लस मैंने साथ में कॉफी पी ली शॉर्ट पी लिया बट hmm. मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि अभी मैं चाय बंद कर रहा हूँ तो hmm. मैं कंबूचा क्योंकि बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है वट डू आई स्टॉक कुछ ऐसा लगता है लाइफ में कोई छोटी छोटी चीजें एक्साइटिंग होनी चाहिए और चेंज होती रहे तो मजा है बॉडी वॉश कोई बढ़िया नया पता चले ये सब जो कंज्यूमरिज्म का फायदा है ना भाई साहब करेक्ट अभी मेरे को ये एंटी कैपिटलिज्म कॉमिक्स नहीं पसंद है आ, अरे क्या है आर्ट के लिए कर। असली, असली मस्ती ही कैपिटलिज्म में कंज्यूमर बनो सामान खरीदो आई अग्री पैसे खर्च करने में बहुत मजा आता है <laughs> कमाने में कमाने तो टूट जाती है हाँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही तुमने कमा लिए तो लगता तो है, अब हाँ। इसका एक तो जाना है ना कहीं हाँ। कहां हाँ। हजार की जो ये और ये वाली चीज करने में बहुत मजा आता है शाद को बोल रहा था एक बार मैं

कल मैंने हेडफोन वाले ऑर्डर किए हैं अभी मतलब मैं भाई को बोला तो उनमें से जो भी मिलेगा वो ले लेगा और आज मैंने सुबह वो ऑर्डर कर दिया अच्छा? <laughs> <laughs> है एक्सबॉक्स अच्छा मैं सोच रहा था क्या करूं क्या करूं एक्सबॉक्स भाई <laughs> ये मैं तो मैं बहुत कॉन्शियसली दूर रहता हूं वीडियो गेम्स से क्योंकि हाँ। बहुत मजा आता है खेलने में अरे भाई तो मैंने मतलब मान ले एट्थ नाइन्थ के बाद से खेले ही नहीं है पी एस वन या टू खेला था क्यों बट मतलब तू थोड़ा तो खेल ही सकता है एडिक्टिव इट इज बट Control, मतलब यार अब देखना घर पे जब मैं घर पे रहता हूँ तो मुझे hmm. तीन चार चाहिए। Correct, हाँ, लेकिन मैं हमेशा शेड्यूल में लिख के बट फिर also, के रहे, पढ़ नहीं, रहे, या नहीं कर रहे तो अगर ये आ जाएगा तो इसमें तो मैं ओपनली वो कर रहा हूँ भाई की मैं पढ़ने का कोई सीन ही नहीं है इसमें तो कभी कभार बोर होके अभी भी मैं आया हूँ तो मेरे बैग में बुक पड़ी हुई है कि रस्ते में पढ़ेंगे मेट्रो में बट फिर मैं गाने सुनता है और ऐसे करके वो कर जाता हूँ बट तेरी बात सही है लेकिन मज़ा मज़ा भी तो तो आता है। वो बात तो सही अब विचर मारेगा अरे मेरे को किसी ने वो खिलाया था अपने पे, वाले, का गेम। आ, मजा आ गया जो जाले वाले निकाल के वेरी एक्सपेंसिव हॉबी क्योंकि सब बताते हैं इतने का एक गेम आता है देख मेरे पास पहले भी था मेरा वो था थ्री था तो तब मेरे पास वो सारे गेम थे आ, मैंने चार पांच ही गेम रखे एक तो यू एफ सी खेलता था मैं और शूटर गेम था एक मिशन इम्पॉसिबल का किसी का एंड वो था कॉल ऑफ ड्यूटी तीन गेम में, में मेरा काम हो जाता था। I don't think मुझे पचास गेम चाहिए मुझे इतना भी शौक शौक नहीं है है है। यार। मुझे गेम खेलने का लेकिन वो खत्म हो जाता है। और देखो में था। था। तो डक हंड तो इंटरेक्ट वैसा था ना कि तुम हाथ में गन लेकेट्स मोर लाइक वी या फिर अभी मोशन वाले जो भी आए बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं तूने वो खेला है अरे भाई क्वेस्ट का तो अलग ही फील है यार वो तो और अभी तो अपडेट करना पड़ेगा बहुत दिन से रखा है मैंने चार पाँच महीने से बट उसका अलग है क्योंकि वी में और तुम्हारे जो आ, जो वी था या मोशन था उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है इसमें तुम्हारा पूरा हाथ जेस्टर जो भी तुम कर रहे हो उसमें इतने कैमरा लगे हैं सब होता है तो यू बिकम एन अवतार तुम जो कर रहे हो तुम डांस कर रहे हो तो शीशे में दिख रहा है तुम डांस कर सब है वो अलग लाइफ बन जाती है एंड Now they वर्किंग सम some... इसी में आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ मतलब करुणेश भी यही गस... कह रहा था वो आया था और मैंने उसको पोकर खिलाया उसमें कहता है कि इसको ले जाओ यहाँ से अगर मैं इसमें घुस गया आ, क्योंकि कुछ, कुछ लोग ऐसा होता है हो भाई मतलब कि एडिक्टिव पर्सनालिटीज नहीं कहते हैं मेरी भी? मेर, मेरा तो मैं एक मैं जो करा था जो जनरली सच था मैं एक पूरा सेमेस्टर फुल फ्लैपी बर्ड खेला था मैंने कि भाई जो हाई स्कोर बढ़ाए और मैं पूरे दिन मैं मतलब आई यूज टू हेट माई सेल्फ में बैठा हूँ टट 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 करे जा रहा हूँ कि नहीं होना है बट पूरा पूरा नहीं नहीं देख यार वो उन... बर्ड में कुछ भी कोई गेम ही नहीं है कुछ इसमें तो एंगेज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं उन लोगों ने वही लगाया दिमाग कि तुम्हारी उंगली पूरे टाइम एंगेज है और भाई इतने सिंपल गेम से उन लोगों ने मतलब वो जितने भी पैसे कमाए मिलियंस आई थिंक कमाए उन्होंने तो

आ, लेकिन नहीं, मतलब इट इज right. uh, वो डिबेट जीतने में बहुत इजी होता है जैसे सब कहते हैं ना कि एक्चुअली जो सारे uh, लोगों को uh, फेमुनिस्ट के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं

इन माय सुपर भाई धूम में वो कहता है, जो लोग ये चलाते हैं बंदूक नहीं चलाते यार ऋतिक रोशन की किस देख के मूड खराब हो गया था यार रोते रोते कौन किस करता है भाई, हाँ भाई। टर्न ऑफ हो गया <laughs> अंदर चली गई <laughs> इतनी गंदी किस एक ये घटिया किस थी और एक थी ब्लैक मूवी में भाई वो बहुत ही स्कारिंग थी भाई हम बहुत ही स्कारिंग थी वो हम गए हाँ। थे हम स्कूल से गए थे हाँ। एक तो स्कूल वाले बहन शर्म नहीं आती ब्लैक जैसी बोरिंग मूवी लेके गए हाँ। हम लोग गए वहाँ पे और मूवी चल रही है अचानक रानी मुखर्जी और ये अमिताभ बच्चन केस करने लगते हैं और भाई पूरे जो बच्चों के <laughs> <laughs> ये क्या दिखा दिया भाई तुमने हम बच्चे हैं यार और, और उसको अभी भी कोई कितना भी जस्टिफाई कर ले कि एक्चुअली वो क्योंकि प्यूबर्टी हिट वो हमेशा क्यूरियस ऐसा लगता है ये आप गंदी बातें अगर हमारे घर से बाहर जाके करेंगे तो हमें बेटर लगेगा यहाँ पे मत करिए सब कुछ <laughs> देखो जस्ट टू क्लियर गंदी बातों का मतलब किस नहीं किस हमें बहुत पसंद है वो गंदी किस मत दिखाओ <laughs> तो, दो गिनौने लोग किस कर रहे हैं डोंट वॉन्ट टू सी दैट करो तुम घर में करो चार दीवारी में छुप के करो लेकिन कैमरे के सामने मत जब जाए जया जी छुट्टी पे आप फ्री है बुलाया किसी को भी हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले रानी मुखर्जी की हाइट देख के उनको जया बच्चन याद आ जाती है तो इसलिए उन्होंने गलती उनकी नहीं है वो जब भी हाइट कम देखते हैं उनको लगता है उनकी बीवी जी उसकी बीवी छोटी भाई एक बहुत रूमर्स है कि अमिताभ बच्चन बहुत सच है इसमें रूमर वाला पार्ट कौन सा है ये ये जो सर्कल इतना छोटा हो गया है हाँ। जो कॉमिक सबको जानने लगे हैं उसकी वजह से कुछ रूमर बचे नहीं भाई साहब सब सच है भाई मे, तो मेरा एक दोस्त उस दिन स्कूल का दोस्त था वो शो देखने आया था ठीक है तो एक तो उसने वो पता नहीं क्या हो गया उसको स्कूल के बाद से इतने क्वेश्चन पूछने लग गया ऐसे है ऐसे देखेगा कह रहा है मुझे नहीं कह रहे नहीं <laughs> सपन का मुझे बहुत अच्छा लगा सेट में का अच्छा करते कह रहे अगर मैं उसको अभी बोल दूंगी एक घंटा कर दे खड़े होके मैं कहता हूँ तो पहले तो बोलेगा कौन हो आप तुम <laughs> क्या बकवास कर रहे हो मेरे से कह रहे नहीं उसके पास रेडी होगा ये रिहर्स था कि क्या था अभी किसी और दूसरे वेन्यू नहीं पे जाएगा क्या करेगा ये करेगा वो करेगा और ये, ये सीरीज ऑफ़ क्वेश्चन स्टैंड अप में और वेरी जजमेंटल ऑडियंस ऑल्सो मतलब नॉट समबडी वुड वॉन्टेड योर शो कि किसी ने उसका कुछ उसने किसी का बिट देखा तो कह रहा था तुम लोग आपस में फीडबैक देते हो ये करते हो मैं कहा कहता तो उसको फीडबैक दे देना कि ये मत करे वो ये फीडबैक नहीं होता भाई तो वो ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहा क्वेश्चन पूछे जा रहा फिर वो गाड़ी से मेरे को छोड़ रहा था तो हम ये बच्चन साहब के बंगले के बाहर से निकल रहे थे जलसा कहते हैं मिस्टर बच्चन अभी उठे हुए वो होंगे कि सो गए होंगे <laughs> <laughs> क्या हो गया जॉन तेरे को सटक क्यों गया <laughs> <laughs> अच्छा <laughs> ये क्वेश्चंस मैं मैं बिल्कुल गेस नहीं कर पाता कह रहा है इस ट्वेल्व इज लेट फॉर हिम जगह होंगे क्या लगता है तुझे मैं क्या पॉइंट है ये डिस्कस करने का पर सपन की हाइट क्या होगी गया <laughs> लेफ्टी है कि <की> राइटी है <laughs> अरे भाई लिटरली इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तेरे को किसी और वो वो हाँ तो मुझसे ना ऐसे चीजें पूछते रहता है तो स्टैंड अप में तेरा सबसे फेमस दोस्त कौन है <laughs> मैं कहा इसका क्या लेना देना है किसी भी चीज का <laughs> क्या मतलब ऐसी <laughs> का तू तो कैसे यूज करेगा ये इंफॉर्मेशन मुझे प्लीज बता मैं तो उस क्वेश्चन लेके आता हूं मतलब कुछ नहीं है इनका <laughs> क्या नाम है जॉन 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 इफ यू वाचिंग सब्सक्राइब हमें कोई मतलब नहीं तुमसे खाली रेड बटन दबा दीजिए आप उसने क्या पूछा मेरे से एक और चीज तो उसने पूछा और क्या कर रहा है आजकल ये सब कुछ तो मैं उसको एक भी कर रहा हूं। हाँ, मैंने कुछ तो क्लिप्स देखे हाँ। सब ऐसे बोलते तो तो, <laughs> तो हैं है वो कॉमेडियन कह रहा मैं मैंने देखा उसे मैं तो तुझे पता होगा ना बहन तूने देखा कि नहीं देखा है किस में है वो तो मैं बोला कॉमिकस्तान में भी हो सकता है तूने कामिक्तान में देखा कह रहा अच्छा कॉमिकस्तान में तो वो तेरे साथ क्यों कर रहा है तेरे को क्या जानना है भाई <laughs> ये कौन कैरेक्टर है यार कौन तो जॉन नहीं है जॉन जोस पहले और ये <laughs> क्या इसका नाम वो है, है मल्लू क्रिश्चियन <laughs> जॉन जोस पहले

एक बंदे ने लिखा है कि अगली बार जब वीडियो डालना तो उसमें कॉमेडी भी डाल देना hmm. <laughs> एक बहुत यार मतलब मैं देख के हमेशा शौक हो जाता हूँ क्योंकि बहुत वेरिड ओपिनियंस होते हैं yeah. तुम पाँच छह से देखोगे वाह मतलब एकदम ही सुपर लेटिव बेस 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 लौड़ू <laughs> पकवास <laughs> मैं भाई एकदम धरातल पे ले आते हैं लोग खींच के

मतलब हाँ, ये तो या, की या, बहुत ही मेरा बेस्ट भी प्रोफेशनल हाँ, नहीं है हाँ, तो क्या करूँ मैं <laughs> <laughs> तो वैसा है सेम आपकी आवाज में बहुत सादगी है बट आप आदमी सुअर हो अरे दिल का अच्छा आदमी आए ने दिल का अच्छा

अब सबको पता है ये तुम क्या सरप्राइज करोगे उनको yeah. कॉमेडी में सरप्राइज भी तो मेन hmm. है आई थिंक ये तो हम लोगों को जाने देना चाहिए कि मैं ओरिजिनल मैं बस जैसे hmm. जब हम नॉर्मल लाइफ में फनी हो रहे होते हैं तो कितना पिक्चरों को कोट करते हैं हाँ लेकिन स्टेज पे नहीं स्टेज पे नहीं करते कि तो फेयर ये तो मैं भी नहीं करता स्टेज पे नहीं करता स्टेज करते लेकिन स्टेज पे आमिर को कुछ-कुछ जो डायलॉग्स हैं वो उसमें जैसे जो मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ कि जैसे थ्री सम वाले बिट में मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ कि मेरा मैच आया किसी से और उसमें उनका मैसेज आया कि हाई दिस इज उमेश आकांक्षा तो मैं कहा उमेश आकांक्षा को फोन दो मस्ती मत करो <laughs> बड़े <laughs> लोगों के बात करने का टाइम है ठीक <laughs> है हाँ तो फिर उसमें वो सामने से कहते हैं कि नहीं नहीं हम दोनों ही बात कर रहे हैं मैं कहा अभी कौन बात कर रहा है मुझे ये बताओ हुँ. मैं डील किससे कर रहा हूँ आप पार्टी हैं या ब्रोकर तो अब दिस इज़ अ खोसला खोसला लाइन मतलब आई जस्ट डूइंग इट दैट इज़ नॉट थिंक मैंने इसमें भी डाली थी uh, या खुदा लेफ्ट या राइट सीधे और 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 एक भी किया था मैं एक बार ऐसा यूजेज अच्छा लगता यूजेज मैंने कैसे मेरे को मेन इसमें इंस्पिरेशन रहा है जॉन मुलेनी ऑलवेज मतलब फिल्म लाइन्स मैंने किस्मत खराब है में, में एक वो उसका जॉनी लीवर जॉनी लीवर नहीं है राजू श्रीवास्तव का लाइन यूज किया था कि माला भूख लागेली खाला <laughs> <laughs> वो मराठी उसको कहता है मुझे वह भीख मांगनी आती है मांग आती। <laughs> जाता है विच आई फाउंड सो फनी कि मैंने पहली लाइन मराठी की सुनी और मुझे याद हो गई है एंड आई नो क्लू कुछ मुझे तब ये भी नहीं पता कि मैं कभी बॉम्बे जाऊँगा राजू yeah. श्रीवास्तव इज जस्ट ऑन अनदर लेवल डूड सो फनी दैट दूड और वही है यार बुढ़ापे 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 में just, one, I wonder कि में में इसीलिए कि हमारा क्या होगा में तो मैं अपने आपको अपने से कर लूंगा ताकि मुझे पता ही ना चल पाए कि मैं तो वही उसने किया यार, यार।, problem यार। हो गई है हाँ तो तुझे खराब लगे ना उसको तो बढ़िया लगा था <laughs> <laughs> हम आपके चार चालीस साल से आपकी कॉमेडी फॉलो कर रहे हैं और हम बहुत चालीस साल रहती निकाल औरत को बढ़िया आई थी बैर एनअ आई थिंक अगर तुम राजू श्रीवास्तव को बताओगे कि आपका शुरुआत का मुझे वो वो बहुत था। था। एंड में आप थोड़ा खराब है। <laughs> <laughs> नहीं मैं तो अगर मेरे को ये सब कोई मैसेज करेगा ना कि हम बहुत साल से आपको अप्रीशियेट होते हो और अब उतना मजा नहीं आता फिर सॉरी सॉरी लेट मी मेक इट अप टू यू आप यहाँ पे आइए रिजॉर्ट में और फिर वहाँ पे थप्पड़ मारूंगा उसको घुमा के अगर तू बोलेगा कि लेट मी मेक इट अप टू यू आर रिजोर्ट पे आइए तो क्यों आएगा भाई वो ये क्या है हाउ विल यू मेक इट अप अरे रिजॉर्ट में मैं वैसे करूंगा ना कि प्राइवेट जेट वेट भेजूंगा उसके लिए सब कुछ अपीलिंग बनाऊंगा और एवरी थिंग अप टू स्लैब और फिर कहेगा अच्छा वापस तो छोड़ मैं, मैं तेरे बाप का नौ छोड़ दे जा बस पकड़ के जाह यहाँ से प्राइवेट जेट में जाएंगे साले ओ भाई जेट, जेट से याद आया सर्विस इन इंडिया जिसमें तुम जेट पे सीट बुक कर सकते हो है ना जेट सेट सम हाँ ओ रेगुलर ट्रैवल के लिए प्राइवेट जेट पे अगर जा ही रहे तो उसमें वो कर सकते हैं हाँ हाँ तुझे और भाई मतलब दिस इज अ न्यू थिंग दैट आई तो प्राइवेट जेट पे अगर तुमको ट्रैवल करना है तो तुम सीट बुक कर सकते हो ठीक है और यहाँ जूहू में भी एक एयरपोर्ट है से प्राइवेट एस वी रोड से दिखता है जाते जहाँ से ये स्टार्स वगैरह जाते हैं है ना क्रिकेटर्स भी जाते हैं और मूवी स्टार्स भी जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने उनके लिए काइंड ऑफ वो मना दिया है तो मैं मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट का देख रहा था तो आठ सीटर प्लेन है oh, wow, yeah. है ना yeah. आठ yeah. सीटर प्लेन है तुम तो अपना जितने भी बुक करो yeah. और मैं देख रहा था तो भाई आ, दो ती, दो तीन सीट का या दो सीट का हम लोगों ने देखा था सोलह लाख पड़ रहा था oh. आ, <laughs> 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 तो मैंने सोचा भाई ये लोग जो प्राइवेट जेट से ट्रेवल करते हैं हाँ, बहुत पैसे खर्च कर रहे भाई अगर हाँ, सचिन नगर जा रहा है दिल्ली सोलह लाख खर्च हाँ, करके तो आधे पैसे तो यही खर्च हो जाते होंगे इनके आई एम श्योर उनके पास बहुत ही ज्यादा है बट आई वॉज सो शॉक्ड आई थॉट

ओवरऑल हम इतना ले रहे हैं तो हमारी लागत लगती है पैंतीस <laughs> मतलब? तो लागत से कोई अंतर नहीं पड़ता है भाई। मेरे लिए <laughs> मुझे तर... बारह रुपए में दो <laughs> <laughs> बारह में दो उतने तो हम लॉस में रहे हाँ लॉस में जाओ यही चाहता हूँ तुम लॉस में हो और मुझे फायदा हो जाए तो वो मैंने देखा यार मतलब आई थॉट कि मैंने एक नई सर्विस वो ढूंढ ली है और जिस तरह से तूने जैसे सुना था कि भाई ये करे, तो करे, कुछ <laughs> कि मैं तो ऐसे कर दिया करूंगा आप जा रहे हो दिल्ली तो मेरा चार्जर उठाना लगा हुआ है <laughs> 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 तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था लेकिन ऑफ कोर्स नॉट फीजिबल और एक मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखा क्योंकि मैं सर्च कर रहा था कि कितने पैसे होने चाहिए तेरे पास की तू ऐसे 16 लाख तो एक सीट के हैं अगर प्राइवेट जा रहे होंगे तो कितना कम से कम 50 लाख होता होगा यार तो नहीं देख तो जो लोगों को अगर बहुत जाना है ना वो जेट खरीद लेते हैं हाँ। तो वो जेट फिर इतना महंगा ये वैसी बात है कि फिर फ्यूल डलता होगा महंगा फ्यूल डलता है मेंटेनेंस हाँ। चार्जेस उसको रखने के लिए तुमको हाँ। डॉक करना पड़ेगा हाँ। लेकिन मेंटेनेंस के बावजूद अगर तुम बहुत यूज कर रहे हो और या फिर तुम अपने दोस्तों को लेके जा रहे हो ये सब कर रहे हो या पैसे ले रहे हो लोगों से तो तुम्हारा निकल आएगा तो एज अ सर्विस उसको प्रॉफिट ही हो रहा है लड़की को एक लड़की है उसके पास आठ या नौ नौ जेट है एग्रीगेटर पहले थी एंड देन शी बिकेम द ओनर ओनली उसने नौ खरीद ली और वो आठ में से एक जेट चलाती है और वो आप ड्राइवर है नहीं मैडम हमारा तो हम तो ओनर है ओनर है हमारे और चल रहे हैं हमारे चाचा ताऊ के लड़के चलाते रहते हैं बाकी प्लेन और पैसा रोज का आता रहता है जैसे वो ऊबर ड्राइवर रोज का थोड़ा थोड़ा आता रहता है अपना ये भी चलाते रहते हैं कजिन को भी काम मिल गया है तो इसलिए हमने सेटअप कर दिया है बहुत ही अच्छा समझाया तुमने ऊबर ड्राइवर से ऐसी ही बात करा कि मैं मैं ओनर हूँ हमारी गाड़ी मयंक पांडे का कितना अच्छा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जो पहले बाहर <laughs> किस में था पहले <laughs> बाबा अटोमिक रिसर्च सेंटर में मैं था <laughs> <laughs> लेकिन वो तो वो दिन थे अभी मैं ये करता हूँ <laughs> इसका उसमें मैंने उसको ये माइक्स में करते हुए देखा था तो जब उसने फर्स्ट टाइम ये लाइन करी थी पागल हो गया था मैं कि मुझे तो डर लगता है कहीं मेरा नेक्स्ट ड्राइवर रघुराम राजन <laughs> ना निकल आए <है। laughs> <laughs> कहता है भाई साहब मैं तो पहले आर का गवर्नर था <laughs> <laughs> आपने देखा होगा साइन देखा होगा मेरा पांडे बहुत फनी है तो एक मैं वीडियो देख रहा था अभी जिसमें क्योंकि मैं कह रहा था मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक्स एम फोर खरीदूँ hmm. या फिर वो hmm. ए, वो वाला बोस वाला खरीदूँ या एयरपोर्ट खरीदूँ दिस ही इज कंपेयर ऑल फोर जो भी मैं बोल रहा हूँ वो चारों को कंपेयर किया उसने एक वीडियो में और बेसिकली उसके पास ऐसी माइक है और ऐसी मशीन है जो तुमको ये सुना देंगी कि कि उस हेडफोन से कैसा सुना मैं, तो तो मैं, मैं बस उसको मेल लिखना चाहता हूं कि ये मेरे साथ गाने आप बस इसमें कर दो फिर मैं जब तूने सुनाई दी कि में कैसा भाई तुम्हारी दस लाख की मशीन एक भाई साहब उड़ता पंजाब का एल्बम बना के भेज दो ऐसा और एक हाथ कोई और अमित त्रिवेदी का देवडी का भेज दो भाई कौन कर रहा है ये बैठ के यार उसके पास इतनी महंगी मशीन है उसका माइक और वो कहता है कि ये है ये तुम्हारी बॉडी में जो सेंसेशन होगा वो भी बता देगा hmm. तो जब तुम ईयरफोन पहन के करोगे उसके पास एक मशीन है जो जब तुम्हारा बॉडी जैसे वाइब्रेट होगा बोन में जैसा होगा वो फीलिंग भी तुमको दे देगा भाई उसको बस ऐसा करना चाहिए देखो मेरे पास ये सब इक्विपमेंट रखा है तो आप वापस फोन ले लो <laughs> क्यों क्या नहीं भरोसा रखो <laughs> <laughs> बट खतरनाक था यार मेरा है इट ब्लू माई माइंड कि कोई बंदा ऐसा भी कर सकता है कि इसने गाना सुना दिया कि तुमको अलग अलग हेडफोन में कैसा सुनाई पड़ेगा इनक्रेडिबल इसको बहुत अच्छी नॉलेज है सुमित सौरभ को हाँ वो तो करता भी ना ऑडियो फाइल वो कहता है उसको बहुत अच्छा ऑडियो फाइल वर्सेस समथिंग मिलो हाँ, फाइल लेकिन मैं देखा ये ऑडियो फाइल्स जो बेस्ट बताते हैं वो कुछ बहुत इनकनवीनियंट होता है हाँ, कि ये तेरे को फिर अपने घर पे एक सुपर कंप्यूटर लगा के उसमें सुनना पड़ेगा हाँ, तो कोई नहीं बताता ऐसा ऑडियो फाइल <laughs> कि सुपर कंप्यूटर में तुमको हेडफोन लगाना मतलब कुछ घर पे रह के वायर से ही असली वो आएगा ये होगा वो आएगा और फिर तुम यही एक गाना है जो इस पे सुन सकते हो सिर्फ हाँ तो हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग जो वायरलेस हेडफोन ले रहे हैं वो ऑडियो फाइल लोग नहीं खरीदते वो लोग खरीदते हैं और ये एक वो भी है कंपनी है जो इवेंट भी रखती है हेडफोन कुछ तो हेडफोन कनेक्ट करके करती हेडफोन जोन बेसिकली क्या होता है अगर तुमको एकदम ऑडियो फाइल लेवल का वो चाहिए तो तुम आ, एक एम्पलीफायर टाइप की चीज़ होती है वो आता है और एक और टाइडल करके उस पर सुनना पड़ता है एम्पलीफायर हाँ। लगा के हेडफोन को उसमें वायर करो वहाँ पे बैठो टाइडल से सुनो

और मेरा न्यूज का लिंक होगा वो देख लेना बाकी जो भी हमारा काम है देखते रहो चलो ठीक है थैंक यू बाय बाय